छतरपुर जिले में एक ऐसी टिफिन सेवा चल रही है जो असहाय बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं अनाथों के लिए वरदान साबित हो रही है। छतरपुर जिले में कुर्राह ग्राम में स्थित जागरूक सेवा समिति के द्वारा मुफ्त टिफिन सेवा शुरू की गई है। यह 3 साल पहले इस सेवा की शुरुआत हुई थी, जहां महानगरों में टिफिन सेवाओं को आपने देखा होगा, लेकिन छतरपुर जिले के इस गांव में टिफिन सेवा के माध्यम से सेवा कार्य किया जा रहा है। यह टिफिन सेवा पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें गरीब, असहाय बुजुर्गों एवं अनाथों और दिव्यांगों के लिए खाना पहुंचाने का कार्य करती है। चिन्हित स्थानों पर जो गरीब, असहाय बुजुर्ग एवं दिव्यांग हैं, उन तक खाना पहुंचाने का कार्य किया जाता है। छतरपुर जिले के सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम कुर्राहा में जागरूक सेवा समिति के संचालक जगमाल सिंह यादव ने बताया कि वह दिल्ली हाईकोर्ट में वकील थे। जब वह बुंदेलखंड के भ्रमण पर आए, तब उन्होंने यहाँ की गरीब स्थिति को देखा और उसके बाद से यहाँ पर सेवा का मन बनाया। इस सेवा की कामना को लेकर उन्होंने सबसे पहले कुर्राहा में अपना फार्म हाउस बनाया। इसके बाद से वह यहाँ पर लगातार सेवाएं दे रहे हैं। इसके 3 साल पूर्व उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें लोगों तक खाना पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। तब से वह निरंतर टिफिन सर्विस के माध्यम से लोगों तक मुफ्त खाना पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जो असहाय, दिव्यांग, बुजुर्ग एवं अनाथ लोग हैं, उन तक यह खाना पहुंचाने का कार्य प्रतिदिन दोनों टाइम किया जाता है। लगभग 100 किलोमीटर तक उनकी दोनों मोटरसाइकिलें दौड़कर लगातार इस सेवा कार्य के माध्यम से लोगों तक खाना पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। मैं ये लोगों को निशुल्क खाना दे रहा हूं, उनको जो बेचारे ऐसा है जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, चाहे वो अनाथ हो, चाहे वो दिव्यांग हो, शारीरिक रूप से हो और मानसिक रूप से हो, और कोई ऐसा भी केस होता है जो अपने माँ बाप को छोड़ के चले गए, उनके पास कोई सोर्स ऑफ परमानेंट इनकम नहीं है, उनको भी मैं खाना देता हूँ। कब से चल रहा है सर, कितने लोगों को? ये 3 साल से ज़्यादा हो गए, 3-3.5 साल के आसपास हो गए। मैं बराबर दे रहा हूँ, सुबह भी और शाम भी। लगभग कितने टिफिन जाते हैं सुबह शाम? सुबह हम खाना जाता है 60-70 सुबह जाता है और 60-70 शाम को जाता है। 100-125 कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। वो इसलिए होता है कि कई बार बेचारे कोई लोग चले जाते हैं तो उनका दोबारा फिर शुरू हो जाता है। बिल्कुल निःशुल्क है और कोई भी हम चार्ज लेते हैं और हम आप लोगों को बताते हैं। कितने दूर तक जाता है आपका? लगभग आप ये लगा लो कुर्रा गांव से और सिंहपुर होगा 25-30 किलोमीटर के आसपास। मतलब हमारे 25-30 किलोमीटर के दायरे में जो भी बेचारे ऐसा ही रहते हैं और हमने उनको थोड़ा सा पहचाना और लोगों से पूछा कि भाई ऐसा है। प्रेरणा कहाँ से लगी है सर आपको, कैसे लगा? इसकी प्रेरणा तो मेरी वकालत के दौरान इसका मेरे को अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वकालत में एक्सीडेंट क्लेम केस करता था। उस समय जिस टाइम लोगों को जानकारी नहीं होती थी तो उसमें गरीब आदमी का एक्सीडेंट हो जाता था तो हमारे को लगता था इस बेचारे का तो सहारा छिन गया है, तो इसकी मदद की जाए। तो जो मेरा अनुभव जो हुआ और प्रेरणा जो मिली वो मेरे वहाँ से मिली। फिर मेरा एक एम्प्लॉय था यहाँ का, पहाड़ गांव का, तो मैं यहाँ उसके उस पर आया था, यहाँ पर सारे क्षेत्र को देखा था। जब गांव में मैं गया तो गांव में ले गया बेचारा, कई लोग बेचारे भीख की नौबत पे हैं, उनको खाना नहीं मिलता था। तो वहाँ से मेरे को लगा कि आप वकालत में कभी रिटायर होते हैं तो यहाँ सेवा करने का अच्छा मौका है। माना जाता है वकालत में तो कोई रिटायरमेंट का टाइम ही नहीं होता। हाँ, वकालत तो एक ऐसा है कि जवानी में वकालत बड़ी संघर्ष में होती है और जब जैसे उम्र बढ़ती है तो उसका शानदार वक्त आता है, लेकिन सबका अपना विचार है। मैंने अपना संघर्ष किया वकालत में, लेकिन जब शानदार का वो आया तो हमने समझा कि भगवान ने या तो आप मर्जी से छोड़ के जाओगे या खुशी से दे के जाओगे। भगवान मरने के बाद कोई लेके कोई नहीं गया है, सिर्फ एक चीज़ लेके गया है, वो नेकी लेके गया है और नेकी प्लस होके जाती है।